शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। हजरत हकीम बिन हिजाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मस्जिद में अशार मत पढ़ो और मस्जिद में हदूद भी कायम ना करो। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मरवी है कि उन्होंने एक रात मदीना मुनव्वरा में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हमरा चौकीदार के तौर पर गुजारी। आप फरमाते हैं, हम लोग चल रहे थे कि हमें एक घर में चिराग की रोशनी दिखाई दी। हम लोग उसी की जानिब चल दिए। जब हम उस घर के करीब पहुँचे तो दरवाज़ा खुला हुआ था, घर में लोग भी मौजूद थे और बहुत आवाज़ें बुलंद हो रही थीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अब्दुर्रहमान का हाथ थामा और बोले, तुम्हें मालूम है कि ये घर किसका है? हज़रत अब्दुर्रहमान ने कहा, नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको बताया कि ये घर रबिया बिन उमैया बिन खल्फ का है और ये लोग इस वक्त शराब के नशे में बदमस्त हैं, तुम्हारा क्या ख्याल है? हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि हमने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, ला तजस्ससु, तर्जमा, जासूसी मत करो। अल्लाह ताला ने तो हमें जासूसी करने से मना फरमाया है और हमने जासूसी की है। चुनांचे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उनको इसी तरह छोड़कर वापस तशरीफ ले गए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जहाँ तक मुमकिन हो मुसलमान को हद के निफास से बचाओ। अगर तुम्हें मुसलमान को बचाने का कोई रास्ता मिले तो उसको मौका ज़रूर दो, क्योंकि इमाम का माफ़ी देने में ख़ता करना सज़ा में ख़ता करने से बेहतर है। हज़रत उकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी का गुनाह देखा और उसकी पर्दा पोशी की, वो ऐसे ही है जैसे उसने किसी जिंदा दरगोर की हुई लड़की को कब्र से निकाल कर उसे ज़िंदगी बख्श दी हो।